हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, इनको स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, हम रीडिंग करने वाले हैं, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस मैं हमेशा ही लेकर आती हूं और इसको एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं आपके लिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आने वाले समय में, आपको बैलेंस बनाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है गाइस। फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ब्रोकन हार्ट, द थिंकिंग मैन, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। वॉकिंग अवे, एंड सेकेंड चक्र आर्क एंजल एरियल, थर्ड चक्र आर्क एंजल केम्यूल। ओके, तो गाइज यहां से जो मैसेजेस फिलहाल में निकल कर आए हैं आपके लिए, वो मैं ये देख पा रही हूँ गाइज कि आप लोग काफी दुखी हो, ठीक है। यहां पर जो एनर्जीज निकल कर आई हूँ ये दिखा रही है कि आप लोग काफी दुखी हो। कोई पास्ट में आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान रहा है जिसकी यादों को, मतलब जिसके बारे में आप सोचकर, जिसकी यादों में आप खोकर, यू नो, काफी तकलीफ में रहते हो, काफी दुख में रहते हो, आपको काफी दुख है उस व्यक्ति से दूर जाने का, ठीक है। उस पास्ट पर्सन की ख्यालों में आप खोए हुए रहते हो और उससे दूर जाने का आपको काफी दुख है और उससे अलग होने का आपको काफी रिग्रेट है। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में, उस कनेक्शन को खोने का मैं देख रही हूँ गाइस कि आप रिग्रेट भी कर रहे हैं और दुख भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं और हार्डवर्क कर रहे हैं। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं लेकिन वहां भी नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, डेविल आपके साथ बराबर लगा हुआ है, ठीक है। मतलब जो काम भी आप करने जाते हो उस चीज में नेगेटिविटी आ जाती है, आपके काम नहीं बनते, आपके काम रुक रुक कर चलते हैं, ठीक है। आप बहुत पैशनेटली चीजों की तरफ आगे बढ़ते हो, नई शुरुआत करने की कोशिश करते हो, कोई आ जाती है नेगेटिविटी जो आपको रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। आप अपनी लव लाइफ में जैसे ही एक स्टेप आगे लेते हो वहां पर आपकी चीजें रुकने लगती हैं, ठीक है। कभी आपके पर्सन का मूड खराब हो जाता है, कभी आपका मूड खराब हो जाता है एंड चीजें खराब हो जाती हैं। उसी तरीके से आप अपने करियर में किसी चीज की तरफ आगे बढ़ते हो, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हो तो वहां पर रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, आपको आपका काम, यू नो, किसी कोई कभी आकर उसको रोकने की कोशिश करता है या फिर किसी तरीके से उसमें, यू नो, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो ही जाते हैं। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग इस वक्त करियर में भी काफी सफर कर रहे हो एंड यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ में भी काफी सफर कर रहे हो। अगर गाइस आपकी सिचुएशन है ये तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप लोग काफी रुक गए हो, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं, बड़े ही स्लो जा रहे हो आप अपनी लाइफ में। आप सिर्फ खड़े होकर सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि कहीं भी कुछ भी एक्शन ले लूं कुछ होना तो है नहीं, ठीक है। ना लव लाइफ सुधरनी है, ना करियर सुधरना है, मेरे करने से चीजें हो नहीं रही है। यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग का जो दिल टूटा हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से भी आप काफी ओवरथिंकिंग करते हो क्योंकि यहां पर आपके दिल के दो टुकड़े हुए हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से भी आप दिन भर यहां ओवरथिंकिंग करते हो, ठीक है। और यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि
आर्की एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आर्की एंजल एरियल आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने की, ताकि जो आप एकदम किसी के पीछे पड़े हो, किसी चीज के पीछे पड़े हो, ठीक है, या आप अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं बना पा रहे हो, तो उस पर आप कंट्रोल बनाओ, क्योंकि आपका सेक्रल चक्रा यहाँ इम्बैलेंस है। इसकी वजह से आपको यहाँ पर मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही है, नेगेटिविटी से दूर जाने में दिक्कत हो रही है। अगर आपका जो सेक्रल चक्रा है अगर वो बैलेंस है, तो आप इजिली किसी भी चीज से मूव ऑन कर सकते हैं, आपको इतना इम्बैलेंस फील नहीं होगा। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। देखिए यहाँ पर भी थर्ड चक्र का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आपका आपका जो थर्ड चक्र है यानी सोलर प्लेक्सस चक्र, वो भी डिवाइन एंजल्स आर्की एंजल्स के द्वारा, आर्की एंजल कैम्यूल के द्वारा यहाँ पर हील होने में मदद की जा रही है आपकी। मतलब वो आपका जो चक्र है वो भी हील किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक योद्धा की तरह तैयार किया जा रहा है। हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में अभी चीजें आ रही खराब हो रही हैं, या खराब चीजों से आप सफर कर रहे हो इस टाइम, तो वो इसीलिए हो रहा है कि आपको एक योद्धा बनाया जाए। यू नो, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान युद्ध के लिए तैयार होता है, तो उसके पहले वो काफी प्रैक्टिस करता है। यानी आप कोई भी कंपटीशन लड़ने जाते हो, कोई भी कंपटीशन में आप बैठते हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन हो एक्स वाई जेड, चाहे आपके स्टडीज से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसके पहले काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपके साथ चीजें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो आपको तैयार कर रहे हैं किसी बड़े चीज के लिए, कुछ बहुत बड़ा जिसके लिए ये आपको तैयार किया जा रहा है। आपको एक योद्धा की तरह मजबूत बनाया जा रहा है, और आप योद्धा की तरह मजबूत तब बनोगे जब आप हार्डशिप्स के साथ डील करना सीखोगे, जब आप चैलेंजेस को फेस करना सीखोगे, तब आप चैरिट की एनर्जी को यहाँ पर क्लेम कर पाओगे। ठीक है, मतलब एक पावरफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए, एक पावरफुल एनर्जी की में आने के लिए, ठीक है, एक पावर में आने के लिए आपका चीजों के साथ चीजों के साथ बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। आप तभी किसी इंसान को सिखा सकते हो, तभी किसी इंसान को ज्ञान दे सकते हो, जब आपने खुद अपनी लाइफ में चीजों के साथ डील की हो और उनके साथ आपने कुछ अच्छा बनाकर दिखाया हो। ठीक है, जब आप खुद एक योद्धा होगे तभी आप किसी को बना सकते हो योद्धा। ठीक है, मतलब एक इंसान तभी आपको, कोई इंसान तभी आपको ट्रेन कर सकता है या गाइड कर सकता है जब उसने वो सारी चीजों को फेस किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप लोग डिवाइन द्वारा यहाँ पर तैयार किए जा रहे हो किसी बड़ी चीज के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको नेगेटिव ना लें कि मेरी लाइफ खराब है। ठीक है, वो जो चीजें हो रही हैं वो किसी बड़े स्तर पर हो रही हैं और किसी बड़ी चीज के लिए हो रही हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर देख रहे हैं आप, दोनों डेक से वर्ल्ड वर्ल्ड निकल कर आया है। यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ भी वर्ल्ड का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं गाइज कि आपको इस वक्त डिवाइन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सारी दुनिया आप में ही है, आपसे ही शुरू होती है, आप पर ही जाकर खत्म होती है। ठीक है, तो आपको ना इस वक्त बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आपको दी जा रही है, जो आने वाले समय में आपके काम आएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन इस वक्त आपको दिए जा रहे हैं। तो जो भी चीजें हो रही हैं उनको नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव लें, वो जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए आप एक क्रिएटर हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपको यही आपकी जो पावर है ना उससे इंट्रोड्यूस कराने के लिए चीजें हो रही हैं, ताकि आप समझें कि आप एक क्रिएटर हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी पावर है आपके पास ये क्रिएट करने की। ठीक है, लेकिन जब आप लोअर वाइब्रेशंस में होंगे या डिजायर्स की एनर्जी में होंगे या फिर बहुत नीचे होंगे, तब आप कैसे ही किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। किसी अच्छी चीज को क्रिएट करने के लिए आपका उस लेवल तक होना जरूरी है, मतलब उस लेवल तक पहुंचना जरूरी है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए ही आपकी लाइफ में हार्डशिप दी जा रही है, ताकि आप उनसे डील करके चीजों को सीखें, आगे बढ़े और एक अच्छी पोजिशन में आए, तब जाके आप यहाँ पर जो भी चाहेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो क्रिएट होगा। यहाँ पर थंडर वोल्ट की एनर्जी है इस वक्त, बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस वक्त देख रही हूँ कि टावर चल रहा है, लेकिन आपको इस टावर से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आपके अच्छे के लिए आते हैं, तो हर चीज को पॉजिटिवली लीजिए। ठीक है, किसी भी चीज को नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि नेगेटिव अगर हो गए तो सब नेगेटिव हो जाएगा। देखिए आप लोगों के माइंड में काफी सारी चीजें हैं जो आपको साफ करने की जरूरत है, जो आपको क्लियर करने की जरूरत है। स्पेस बनाइए अच्छी चीजों के लिए, तभी तो आप क्रिएट कर पाएंगे। ये चीजें जो हो रही हैं ना आपकी लाइफ में वो इसलिए हो रही हैं ताकि ये चीजें आपको सिखाएं, और आप समय के साथ इनको रिलीज करो, अपने दिमाग को खाली करो, तब एक अच्छी एनर्जी में आप आ पाओगे, तब आप चीजों को क्रिएट कर पाओगे यहाँ पे।
कंप्लीशन, आप अपनी लाइफ में कंप्लीट फील नहीं करते हो, आपको लगता है कि हर चीज मिसिंग है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो आपकी लाइफ में वो जो कंप्लीशन है ना, जो आप फील नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो आप ढूंढते हो ना, वो और लोगों में ढूंढते हो, आप दूसरों के अंदर ढूंढते हो अपनी खुशी, आप दूसरों के अंदर ढूंढते हो, आपको लगता है कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान या कोई पर्टिकुलर चीज ही आपको कंप्लीट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी डिवाइन का एक लेसन है आपके लिए कि आप खुद में कंप्लीट है। देखिए वर्ल्ड की एनर्जी दोनों तरफ निकल के आने का मतलब है दुनिया आपसे ही बनी है, आपसे ही शुरू होकर आप पर खत्म होती है। अपने आप में खुद को कंप्लीट करना, कंप्लीट महसूस करना शुरू तो कीजिए, आपको अपने आप चीजें समझ में आने लगी, आपको ऑटोमेटिक लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे जिनको भी आप चाहते हो, ठीक है। गाइडेंस आपको बराबर गाइडेंस दी जा रही है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। सिर्फ यहां पर जो भी चीजें हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही हैं कि आप सिर्फ फील हो जाएं और आप वापस से वही हरकतें करें, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो आप कुछ डिफरेंट बनाने के लिए हो रही हैं। सो आपकी लाइफ में जो जो भी चीजें आपको गाइडेंस, मतलब जहां जहां से भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो जो भी चीजें, कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ का, या कुछ लोग जो आपको सिखा रहे हैं इस टाइम, वो बहुत अच्छा आपको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी गाइडेंस को आप फॉलो करें, क्योंकि आपकी लाइफ यहां से आप चाहें तो काफी चेंज कर सकते हैं, काफी स्ट्रांग आप बन सकते हैं, एंड उसके बाद आप इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो जाएंगे कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो यहां पर क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि हार्डशिप्स के बाद खुशियां तो आपकी लाइफ में आनी है गाइस, ठीक है। सो जो भी टफ टाइम आपका चल रहा है उसको काफी पॉजिटिवली लीजिए, किसी भी चीज को नेगेटिव मत लीजिए, यहां पर डिवाइन की गाइडेंस है ये, ठीक है। सो गाइस ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू गाइस।